hello students good morning everybody you sing use haxita are you listening to me raise your hands haxita okay okay so we have to start our first chapter now super senses let's see

विच बॉर्ड इज इज कौन सी है वो जिसकी आंखें उसके सामने होती हैं सब इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड इट्स आउल कौन सा बॉर्ड है आउल आउल हैज इट्स आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमंस जैसे कि हमारे पास है आवर आईज आर ऑल्सो इन फ्रंट हमारे चेहरे पे सामने है ना लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनकी आंखें साइड में होती हैं इन प्लेस ऑफ आवर कैन यू नेम एनी एनिमल, एनी बर्ड जिनकी आंखें साइड में हो लाइक पिजन, को मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ज्यादातर जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें कहाँ होती हैं साइड में होती हैं नाउ मोस्ट ऑफ द बर्ड्स है आईज ऑन आइदर साइड ऑफ हेड उनकी आंखें दोनों तरफ होती है देर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम और जब जिन बर्ड्स की आंखें उनके सर पे दोनों साइड में होती हैं, वो बर्ड्स एक समय में अपनी दोनों आंखों से दो चीजों पे फोकस कर सकते हैं या दो चीजों को देख सकते हैं ओके दे कैन सी ऑन दिस साइड ऑल्सो एंड इवन एज दैट साइड बिकॉज देयर आइज इन प्लेस ऑफ आवर होती है आईज उनकी हमारे कानों के पास जहां हमारे कान है वहां उनकी आंखें होती हैं सो so, वो इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि वो दोनों साइड फोकस कर सकते हैं अपनी आंखों से इधर भी देख पाएंगे और इधर भी देख पाएंगे वेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ दे आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट बट डीज बिथ टू आईज ऑन टू डिफरेंट साइड वेन दे फोकस ऑन अ सेम ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दैम दे कैन सी वनली वन ऑब्जेक्ट तो वो अपनी दोनों आंखों से एक सामने की रखी हुई चीज को भी देख सकते हैं और उस समय वो केवल एक ही चीज को देखते हैं तो so, यानी जिन बॉर्ड्स की आंखें दोनों तरफ होती हैं वो अगर दोनों तरफ देखते हैं तो दोनों तरफ भी देख सकते हैं और यदि सामने देखते हैं तो वो एक ही चीज को भी देखते हैं ना यू मस्ट है कई बार आपने देखा होगा बर्ड्स को बच्चों अपनी गर्दन हिलाते हुए हैव यू एवर सीन कभी देखा है आपने बर्स को अपनी गर्दन हिलाते हुए ओके सम बर्स यू टू मूव देयर नेट वाइल लुकिंग आर डिफरेंट थिंग्स इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव और बच्चों ये बॉल्स जो होती है अपनी आंखें क्यों अपने हेड को क्यों मूव करती है टू सी दिंग्स बिकॉज दे कैन नॉट मूव देअर आई बॉल्स हम लोग अपनी आंखों के अंदर जो बॉल्स हैं ब्लैक कलर का जो ग्राउंड एरिया है उसको हम मूव कर सकते हैं बट दीज बर्ड्स कैन नॉट सो दे मूव देअर नेक टू सी दिंग्स क्लियरली चीजों को स्पष्ट देखने के लिए बर्ड्स क्या करती हैं? अपनी नेक को अपनी गर्दन को मूव करती हैं। इजी टू लुक थिंग्स विथ वन आईज और विथ टू आईज चीजों को एक आंख से देखना ज्यादा अच्छा होगा या दोनों आंखों से वट डू यू थिंक आप करके देखो यून क्लोज योर गाइड आई और कवर इट विद योर हैंड अपनी दाहिनी आपको आप बंद करो अपने हाथ से एंड टेल यूर फैंड टू स्टैंड टू योर गाइड अपने दोस्त को कहो कि आपके दाहिनी साइड में खड़ा हो जाए एट समिस्टेंस एंड आम टू डू एक्शन लाइक वेविंग ऑफ हैंड और शेकिंग हैंड एट्राउंड आपको खुद नहीं लाना है अपने फ्रेंड को कहोगे यू विल सी यू विल ऑब्जर्व दैट यू आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली ओके नाउ इफ यू आस्क हिम इफ यू आस्क हिम इफ यू सी द थिंग्स विद बोथ योर ओपन यू विल सी हिज एक्शंस मोर क्लियरली आप उसके एक्शन को ज्यादा अच्छी तरह से देख पाओगे लट्स uh, Could यू सी फेंड एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक तो क्या जब आप एक आंख से देखते हो तो अपने फ्रेंड के एक्शन को अपने मित्र के जो एक्शन वो भी करते हैं उसको क्या आप क्लियरली देख पाते हो निश्चित रूप से जब आपकी एक आंख बंद होगी तो आप स्पष्ट रूप से उधर नहीं देख पाओगे है ना नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड सेक्शन विथ बोथ योर आई एंड बोथ योर आई ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक अब अपनी दोनों आंखें खोल दो और फिर अपने फ्रेंड के एक्शन को देखने का प्रयास करो डेफिनेटली इट विल बी बेटर इन कंपेरिजन ऑफ लुकिंग द थिंग्स आइज विद वन आई ओके ना वॉज डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आईज सो डेफिनेटली यू विल सी द थिंग्स मोर क्लियर इन कंपेरिजन ऑफ वन आई जब आप एक आंख से देखते हो उसकी तुलना में दोनों आंखों से चीजें आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देंगी नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल आप एक छोटे से बॉल को उछालिए या फिर एक क्वन भी हो सकता है ये एंड ट्राई टू कैच इट और उसको पकड़ने का प्रयास करें आप ट्राई दिस बोथ योर ओपन और आप बॉल को पकड़ने का प्रयास करें अपनी दोनों आंखें खोलकर देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट फिर अपनी एक आंख को बंद करके उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करो वेन वॉज इट इजियर टू कैच आपको क्या लगता है उस बॉल को पकड़ना कब आसान होगा एक आंख खोलकर या दोनों आंखें खोलकर डेफिनेटली यू विल फाइंड इट इज टू कैच द बॉल विध बोथ योर आईज ओपन है ना बिकॉज बोथ योर आई ओपन यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द प्लेस ऑफ दैट बॉल एग्जैक्टली नाउ इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आई इन प्लेस ऑफ योर इयर्स अब जगह आप कल्पना कीजिए कि की आपकी आंखें भी अगर आपके सामने की जगह साइड में होती आपके कानों के पास होती तो क्या होता लाइक बर्ड्स यू विल ऑल्सो बी एबल टू सी दिंग्स इन बोथ द साइड बर्ड्स की तरह आप भी दोनों तरफ चीजों को देख पाते है ना लाइक काइट्स ईगल्स वल्चर कैन सी फोर टाइम्स एज फार एज वी कैन और बच्चों कुछ बर्ड्स हैं जैसे काइट्स हैं ईगल्स हैं वल्चर्स हैं ये हमसे चार गुना ज्यादा दूर तक की चीजें देख पाते हैं हमसे चार गुना ज्यादा दूर तक की चीजें देख पाते हैं यानी जो चीज हम दो मीटर की दूरी तक की चीजें क्लियर देख पाते हैं उसको वो आठ मीटर की दूरी से क्लियरली देख पाएंगे फोर टाइम्स लॉन्गर डिस्टेंस से है ना दिस बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ एट मीटर्स दैट वी सी कैन दैट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ टू मीटर्स और काइट्स ईगल्स वल्चर्स उन चीजों को आठ मीटर की दूरी से बड़ी आसानी से देख सकते हैं जिन्हें हम केवल दो मीटर की दूरी से देख पाते हैं सो विजन इज फोर टाइम्स बेटर इन कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन बींग्स विच एनिमल्स विच बर्ड्स काइट्स ईगल्स एंड वल्चर नाउ कैन यू गेस फ्रॉम वॉट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ गोटी ऑन द ग्राउंड तो आपने देखा था एक ईगल आपके प्ले ग्राउंड में खेलते समय आपके हाथ से गोटी लेकर चली जाती है तो वो कितनी दूरी से चीजों को एग्जैक्टली exactly देख लेती होगी है ना नाउ वी विल टॉक अबाउट कलर्स आपको क्या लगता है बच्चों क्या सभी एनिमल्स को कलर्स बिल्कुल उसी तरह दिखाई देते हैं जैसे हमें दिखाई देते हैं क्या हमारा जो ये वर्ल्ड है हमारा जो संसार है ये सबके लिए समान रूप से कलरफुल है और इज इट डिफरेंट फॉर एवरी अदर तो बच्चों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे वो सारे कलर्स जो हम देख पाते हैं बहुत सारे एनिमल्स को दिखाई नहीं देते हैं बहुत से कलर्स एनिमल्स को दिखाई नहीं देते हैं सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाई सम एनिमल्स आप यहाँ पिक्चर्स है इनको देख सकते हो ये कौन से एनिमल्स को कौन से पिक्चर्स दिखाई दे ये? है Insects को पूरी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाई दे गई यहाँ पे आप देख सकते हो इसके साथ में डॉग्स हैं, डॉग्स को थोड़ा बहुत कलर दिखाई देता है फिर बर्ड्स हैं, बर्ड्स कैन सी कलर्स ऑलमोस्ट ऑल एंड हेयर यू कैन सी ह्यूमन बींग्स है ना यहाँ ह्यूमन बींग्स को कलर दिखाई दे गए कलरफुल दिखाई दे गए पिक्चर्स है ना

वो कलर्स को नहीं देख पाते हैं दो एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स तो बच्चों जो एनिमल्स रात में जगते हैं वो उनके लिए चीजें केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देती हैं। सो विच एनिमल्स कैन सी कलर्स एंड विच एनिमल्स कैन नॉट सी कलर्स कैन यू आंसर यस दो एनिमल्स विच आर अवेकन एट नाइट दे कैन सी थिंग्स Only in black and white, but those animals which are awake at during the daytime, they can see colors like us, right? human beings. Like human beings. Now, this was our eyes, right? how we see the world and how other creatures see. We will, now we will going to we will talk about ears, sharp ears.

तो क्या उनके पास कान नहीं होते हैं कोर्स होते हैं सभी है ना देखते हैं इन क्लास फोर्थ यू गेट वी कैन नॉट इजली सी बोर्ड इयर्स क्लास फोर्थ में बच्चों आपने पढ़ा था आपको याद भी होगा कि बर्ड्स के पास जो इयर्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं कभी आपने किसी बर्ड के पास कान देखे हैं नहीं देखा है तो क्या उनके पास कान नहीं होता है होता है ना कैसा होता है वनली हैव होल इन प्लेस ऑफ इयर्स लाइक अस दे ईयर्स स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स और वो जो होल होते हैं वो भी उनके फेदर्स से उनके पंखों से ढके हुए होते हैं ओके okay? उनके फैदर्स से ढके होते हैं नाव यू हैव टू गाइड द नेम्स ऑफ एनिमल्स हुन बी सीन अब बताओ चो आप ऐसे एनिमल्स जिनके कान आप देख सकते हो कैन यू नेम्स एनिमल्स हस write the name of animals whose ears ears can be seen तो वो कौन कौन से एनिमल्स है जिनके कान हम देख सकते हैं एलिफेंट डॉग कैट रैबिट हॉक्स एनीथिंग एल्स और किसके कान देख सकते हैं बताओ यस, की डोंकी, वी हैव रिटन हॉस एलिफेंट डॉग कैट रैबिट, हॉस मॉन्की डोंकी, हम्म और किसके कहा देख सकते हो गोट ओके लॉयन टाइगर जिराफ है ना सो दीज आर समीमल्स हूज विजिबल उनके कान हम देख पाते हैं है ना नाउ स्टूडेंट्स द नेम ऑफ सम एनिमल्स हूज बिगर देन आवर इयर्स अब इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे बताओ जिनके कान हमसे बड़े हैं यस एलिफेंट काउस बफेलोज है ना इनके कान क्या होते हैं हमसे बड़े होते हैं सो कैन यू थिंक दैट देर इज एनी रिलेशन बिट्वीन द साइज ऑफ एनिमल्स हियर एंड देयर हियरिंग इज देर एनी रिलेशन क्या ऐसा होता है कि जिनके कान बड़े होते हैं उनको ज्यादा सुनाई दे और जिनके कान छोटे हो उनके उनको कम सुनाई दे ऐसा नहीं होता है अच्छा ठीक है चलो आपकी बात मैं मान लेता हूं ऐसा नहीं होता है लेकिन आप ये बताओ मुझे कभी जब कोई बोलता है बहुत धीमी आवाज में तो आप क्या करते हो उस आवाज को सुनने के लिए आप क्या करते हो कुछ करते हो आप आप अपने कानों को इस तरह से हाथों को अपने कानों के पास लगा लेते हो कई बार हां क्या कह बोल के बताओ रिप्यूट योर वर्ड्स हाँ कहते हो कभी ऐसा ऐसा हम क्यों करते हैं टू मेक आवर हमारे कान भी कुछ बड़े हो जाएं ताकि उनकी आवाज हम स्पष्ट सुन सकें है ना तो लेट्स सी हियर यहां एक एक्टिविटी है आप देखो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है बड़े कान वाले लोग ज्यादा सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाई दिस एक्टिविटी ओके करना क्या है आपको वो देखिए फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस सबसे पहले तो ये काम करने के लिए आप एक शांत जगह ढूंढ लो जहां बहुत ज्यादा शोर ना हो

कोशिश करो देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर इयर्स और जब पहले आप तो बिना हाथों को कान पे करके सुनो और फिर दूसरी बार अपने हाथों को कान के पास लगा के तब सुनने का प्रयास करो आई शोन इन द पिक्चर जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी गया है यू कैन सी हियर अ गर्ल हैज केप्ट हर हैंड्स है ना अट हर इयर्स टू लि दिंग्स बिहाइंड शोन दिक्चर नाउ लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन अब उतनी ही धीमी आवाज में उस बच्चे को फिर से कुछ बोलने के लिए कहो इन विच केस वॉज द साउंड शॉपर तो आप देखोगे की जब आप हाथों को अपने कान के पास रखते हो तो आप उसकी साउंड को उसकी आवाज को ज्यादा क्लियरली सुन पाते हो ओके नाउ पुट योर हैंड्स ओवर इयर्स एंड से समथिंग कैन यू हियर योर ओन वॉइस आप अपने हाथों को का अपने कान पे रख के देखो क्या आप अपनी ही आवाज सुन पाते हो यू विल बी एबल टू हियर ओके नाउ हेयर इज अनदर एक्टिविटी सिट नियर अ डेस्क आप एक डेस्क के पास बैठ जाओ टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड आप आप उस डेस्क को टैप कीजिए अपने हाथ से थक थक की आवाज आएगी इट मे बी पॉसिबल दैट सिटिंग स्ट्रेट यू वॉन्ट बी एबल टू लिसन द साउंड बट वेन यू पुट योर आप अपने कानों को यस को टेबल पे लगाओगे तो आप उस आवाज को बड़े आराम से सुन पाओगे टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड एंड लिसन केयरफुली नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क अब अपने कानों को डेस्क के ऊपर रख दीजिए ओके अपने कानों को आप डेस्क के ऊपर रखिए आई शोन इन द पिक्चर जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है यू कैन सी his हैज on a desk अ डेस्क एंड ऑन विद अदर हैंड is टैपिंग धोखे अपने आप को बचाने के लिए वो उस आइसलैंड बच्चे म्यूट है ना ओके सो स्टूडेंट्स वी वर टॉकिंग अबाउट एन इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन दिसंबर 2004 जो एनिमल्स के बिहेवियर को जानने की वजह से लोगों की जान बच पाई है ना दिसंबर 2004 की यह घटना है फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ अंडमान आइसलैंड नोटिस द एनिमल्स बिहेविंग इन डिफरेंट मैनर अंडमान आइसलैंड पे रहने वाले एक जाति ने यह महसूस किया कि वहां के एनिमल्स का बिहेवियर चेंज हो गया है दे गेट सम डेंजर और उस बिहेवियर के चेंज को जानकर उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि अब हमारे आसपास कोई खतरा है सो दे मूव अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइसलैंड और इसलिए वो एक आइसलैंड के सुरक्षित हिस्से पर मूव कर गए वहां से चले गए। आफ्टर द आइसलैंड वॉज हिट बाई सुनामी और तभी उसके कुछ ही देर बाद उस आइसलैंड पर सुनामी आई थी है ना बट दिज पीपल वेव्ड लेकिन ये लोग बच गए थे सुरक्षित हो गए थे केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने एनिमल्स के बिहेवियर को समझा था उनके बिहेवियर में चेंज को जाना था और वो समझ गए थे कि यहाँ कोई खतरा है इन द सेम वे स्टूडेंट्स ऑन द पेज नंबर टेन यू कैन सी डॉल्फिन टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर इसी तरह बच्चों डॉल्फिन जो है वो भी अलग अलग तरह से मैसेज पास करती हैं बाई सिग्नल साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स है स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन और वैज्ञानिकों का ऐसा मत है साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अलग अलग एनिमल्स जो हैं अलग अलग तरह की लैंग्वेज का यूज अलग अलग तरह से सिग्नल्स को पास करते हैं नाउ हे आर सम क्वेश्चन फॉर यू कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स एंड इफ यस विच एनिमल्स आप किन एनिमल्स की साउंड को समझ सकते हो इफ यू हैव पेट एनिमल्स एट योर होम अगर आपके घर पे कोई पेट एनिमल है लाइक like डॉग तो डॉग अगर गुस्सा होता है तो किस तरह से उसका बिहेवियर चेंज होता है वो उसका साउंड चेंज हो जाता है लेकिन अगर वो आपसे कुछ मांगता है आपसे खेलना चाहता है तो उसका साउंड कुछ डिफरेंट हो जाता है सो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड द एनिमल्स विद विच यू स्पेंड टाइम नाउ यू हैव टू गाइड द नेम ऑफ एनिमल्स ऑफ विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द साउंड ओके इन सेकेंड क्वेश्चन सी डू समर योर लैंग्वेज क्या कुछ एनिमल्स भी आपकी लैंग्वेज को समझते हैं और यदि हाँ तो वो कौन से एनिमल्स हैं आपने देखा किसी एनिमल्स को जो आपकी बात को समझ लेना टू ग्रिंग अ बॉल वेन यू थ्रो इट हे आर ऑल्सो यूज बाय सोल्जर्स हाँ बाय इंडिकेटिंग सिम्बल इंडिकेटिंग डिफरेंट एक्शन अलग अलग कामों के लिए उनको इंडिकेट किया जाता है और फिर वो उन कामों को करते भी हैं इन द सेम वे डॉल्फिन यू कैन सी दे देर ऑल्सो यूज ना वॉर्स है ना सो एनिमल्स ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर सिग्नल्स हम एनिमल्स भी हमारे संकेतों को समझ पाते हैं ना से इट विथ साउंड्स just like birds and dolphins you can also make your own language of sound ab birds or animals ki tarah aap bhi apni ek code language bana sakte ho okay birds or animals ki tarah aap bhi apni ek code language bana sakte ho for passing on messages और उस code language में आप अपने messages को pass कर सकते हो अपने friends के पास

है ना वर्ड्स नहीं बोलने हैं सो यू कैन यूज इवन साउंड टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स है ना हाउ एंड वेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल और किस समय आपको अलार्म कॉल किस समय आपको लोगों को चेतावनी देनी होती है फॉर एग्जाम्पल वेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लास रूम यदि आपके क्लास में आप लोग फ्री हो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी चल रही हैं और आपके क्लास में टीचर्स आ गए हैं तो आप किस तरह से, से पास करते हो सिग्नल्स एंड देन सडनली यू ऑल सिट क्वाइटली तभी सब लोग एकदम शांत बैठ जाते हैं है ना तो देर इज सम मैसेज ना बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स ओके सो दिस वाज अबाउट आवर हियरिंग एंड हियरिंग ऑफ एनिमल्स हाउ एनिमल्स लिसन साउंड ओके तो हमने देखा कि डिफरेंट एनिमल्स कैसे अलग अलग तरह से आवाज सुनते हैं और कैसे कानों का जो साइज है साइज ऑफ द ईयर मैटर फॉर हियरिंग है ना एंड वी ऑल्सो लर्न दैट स्नेक्स दोनल स्नेक्स डो नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स एंड दे लिसन बाई फीलिंग द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड वो केवल वाइब्रेशन को कंपन को महसूस करके चीजों को आवाज को सुनते हैं है ना स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट स्लीपिंग एंड वेकिंग अब हम बात करेंगे सोने और जगने के बारे में कौन कितना सोता है और कौन कितना जगता है ओके okay. तो हमने क्या क्या चीज देख ली हमने देखा चीजें देखते कैसे हैं, है एनिमल्स है न देखने के बारे में हमने पढ़ा सुनने के बारे में पढ़ा स्मेल करने के बारे में भी हमने पढ़ा था अब हम क्या देखेंगे सोने और जगने के बारे में ओके okay. देखिए so, सो सम एनिमल्स गो इन टू लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन कुछ एनिमल्स तो बच्चों ऐसे होते हैं जो एक सर्दियों के मौसम में स्पेशली सोने के लिए चले जाते हैं और फिर जब तक सर्दियां पड़ती हैं तब तक वो सोते ही रहते हैं कैन यू नेम एनी सच एनिमल बेग यस अपना फूड जो है वो गर्मियों के समय बहुत सारा खा लेता है और फिर उसको सर्दियों में यूज करता रहता है अपनी बॉडी के अंदर है ना तो ये लॉन्ग टर्म की जो स्लीप होती है क्योंकि सीजन के लिए सर्दियों में इसको हम क्या कहते हैं हाइबरनेशन वेरी गुड सो सम एनिमल्स गो इन टू अग डी तो कुछ एनिमल जो है सर्दियों के मौसम में लंबे समय तक सोने के लिए चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं हाइबरनेशन देन दे आर नॉट सीन फॉर मेनी मंथ और जब ये सोने चले जाते हैं तो बहुत कई महीनों तक जब तक सर्दियां होती हैं ये दिखाई नहीं देते हैं हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लीजर्ड इन द हाउस क्या आपने नोटिस किया कि सर्दियों के मौसम में आपके घर में रहने वाली छिपकली अक्सर गायब हो जाती है सर्दियों में दिखाई नहीं देती है वो भी कहीं सोने चली जाती है ना वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन आपको क्या लगता है वो कहाँ जाती होंगी है ना देर ऑल्सो इन डीप स्लीप नाव वी विल टॉक अबाउट अ स्पेशल एनिमल फ्लॉक एक नए जीव के बारे में पढ़ेंगे स्लॉथ के बारे में ये देखिए आप यहाँ इसकी पिक्चर दी हुई है आपकी बुक पे आप देख सकते हो एक की डाल के ऊपर बैठा हुआ है लुक लाइक अ बियर भालू की तरह दिखाई देगा है ना बट इट इज नॉट अ बियर इट्स दिस एनिमल की डिटेल्स देखेंगे स्लॉथ होता क्या है इट लुक लाइक अ बियर बट इट इज नॉट अ बियर स्लॉथ दिखता तो बिया जैसा ही है भालू जैसा ही है लेकिन ये भालू है नहीं इट इज अ स्लॉथ ये स्लॉथ है एंड इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग और दिन में 24 आवर्स होते हैं दिन में कितने होते हैं घंटे 24 आवर सपोज दिस सर्कल रिप्रेजेंट होल डे अगर ये सर्कल में मान लूं पूरा दिन है हां तो ये हाफ डे हो गया 24 आवर में से 12 आवर ये हो गया और इसका हाफ कर दिया तो 12 में से ये 6 आवर्स हो गया है ना तो ये कितने घंटे से होता है ये पूरा 12 आवर्स होता है हां ये पूरा 12 आवर्स होता है और फिर इसमें 5 आवर्स एक घंटा कम ये 6 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है ना ये पोशन ओके दिस 5 आवर मींस 17 आवर्स इन अ डे इट्स स्लीप So, students, we will continue our chapter from here on in our next class. Our time is going to over. Sir, so, if you have any problem, share with me. यस स्टूडेंट्स अनम्यूट योर सेल्फ आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल हम लोग यहाँ रोड से स्टार्ट करेंगे कल हम लोग स्मूथ के बारे में पढ़ेंगे वीडियो चैप्टर 1 व्हाटएवर वी हैव लर्न टुडे ओके तो थैंक यू ऑल हैव अ नाइस डे